सुपारी देती है। हॉटन जंगल में सो रहा होता है और उसका क्लोवर वहीं बगल में रखा हुआ था। उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। हूविल की साइंटिस्ट डॉक्टर लूरू मेयर के पास भागती हुई आती है और उसे बताती है कि समर के सीजन में बर्फ गिर रहे हैं। वो कहती है कि हूविल डिजास्टर की ओर बढ़ रहा है। मेयर जल्दी से हॉटन से बात करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि समर के सीजन में यहाँ बर्फ कैसे गिर रहे हैं। हॉटन देखता है जहाँ वो सोया था वहाँ ओस के गिरने से उन्हें यह प्रॉब्लम हुई है। वो अपनी गर्म फूंक मारकर सारे बर्फ को पिघला देता है। तभी हॉटन को वहाँ की झाड़ियों के हिलने की आवाज सुनाई देती है। वो डरने लगता है पर वहाँ उसका दोस्त मॉर्टन आया था। वो हॉटन को बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कंगारू ने सारे जानवरों को उसके खिलाफ भड़का दिया है और वो लोग उसे जंगल से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं और वो कंगारू व्लैड नाम के एक वल्चर को उससे वो क्लोवर छीनने के लिए सुपारी दी हुई है। हॉटन उसे वार्निंग के लिए थैंक्स बोलता है पर वो कहता है कि वो इस क्लोवर को सही सलामत उस पहाड़ पे पहुंचा कर ही रहेगा। हॉटन मेयर को समझाता है कि उसके ऊपर अब कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए वो अपने